जय हिंद। आज के जो क्वेश्चन है वो एसकेट के लिए और एनडीए के एग्जाम के लिए है। एमसीक्यूज नहीं लाई हूँ, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्ट्स वाइज हम पढ़ते जाएंगे। पहला, भारत की सबसे बड़ी बाय टनल, ठीक है, सैला टनल, ये अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। ये तो हम सबको पता है, हम सब ने करंट अफेयर में पढ़ लिया। अब यहाँ पे इस टनल को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में एड किया गया, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में कहा गया ये भारत की सबसे हाईएस्ट टनल मानी जाएगी, दुनिया की ये सबसे हाईएस्ट टनल भी मानी जाएगी। कौन सी? सैला टनल। अब ये इंटरनेशनल ऑनर रिकॉग्नाइज इंडिया सैला टनल एज अ कंट्री हाईएस्ट टनल। आप देखिए ये कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और कितनी ये आपको यहां देखो, आपको जो भी एफकेट का पेपर आ रहा है या एनडीए आ रहा है, सीडीएस आ रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट आपको आ रही है, ठीक है। ये जैसे कि द टनल इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट अबव सी लेवल। अब कहां पे बन रही है ये? तेजपुर तवांग रोड पे, ठीक है। यहाँ पे आपको नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जगह करेक्ट आपको, अगर करेक्ट आपको आता होगा आप एक सेकेंड भी नहीं लगाओगे ऑप्शंस को लिखने में। याद रखिए हाईएस्ट टनल को रिकॉग्नाइजेशन किसने दिया? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने। ये भारत की हाईएस्ट टनल अरुणाचल प्रदेश में है, 13,000 अबव है सी लेवल से, और तेजपुर तवांग रोड में बनाई जा रही है। लंबी कितनी है, कितने किलोमीटर लॉन्ग है ये? 2.598 किलोमीटर। ये भी याद रखना है कि कौन बना रहा है, बीआर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लिखा अंदर। और इसके लिए प्रोजेक्ट कौन सा लॉन्च किया है, इस टनल को बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन से प्रोजेक्ट लगाया? प्रोजेक्ट है वर्तक। कौन सा है? वर्तक। ये भी याद रखिएगा। तवांग रीजन जो है हम ज्यादातर देखते हैं चाइना को, चाइना कंट्रोल करना चाहता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की प्लेसेस को, और भारत के अपने चाइना के मैप में इसने भारत का अरुणाचल प्रदेश भी ऐड किया हुआ है। ये भी याद है। ये टनल जो है इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। मिलिट्री कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी ताकि हम चाइना वेस्टर्न थ्रेट कमांड जो है उससे निपट सके चाइना से। ये जितनी भी टनल्स बन रही है ना, जितने भी बॉर्डर एरियाज में, आप याद रखिएगा इंडिया के बॉर्डर एरियाज में सबसे ज्यादा टनल्स बन गए इस टाइम, और बॉर्डर्स को जोड़ा गया, जैसे हाईएस्ट आर्क ब्रिज बनाया गया है, वो भी भारत को कश्मीर से जोड़ने का एक रास्ता निकाला। क्योंकि हम जब कश्मीर जाते थे पहले दो ही पासे से आप कश्मीर में जा सकते हो, या तो आप बनिहाल पास से जा सकते हो या तो आप मुगल रोड पीर पंजाल रेंज से जा सकते हो। अगर ये दोनों ही नहीं अवेलेबल हो तो फिर कैसे आप कश्मीर से जुड़ेगा भारत? इसके लिए भारत ने दुनिया का हाईएस्ट आर्क ब्रिज बनाया है चनाब नदी के ऊपर रियासी में, ताकि हम 12 मंथ जो है भारत जो है कनेक्टिविटी रहे किसके साथ? कश्मीर के साथ। ये भी क्वेश्चन याद रखे। इसके चार पॉइंट याद रखने हैं, सैला टनल हाईएस्ट टनल है भारत की, कहां पे बन रही है? अरुणाचल प्रदेश। कहां कहां डिस्ट्रिक्ट, कहां रोड का नाम क्या है? तेजपुर तवांग रोड। और एल्टीट्यूड कितना है और कितने लेंथ कितनी है, किलोमीटर लॉन्ग है, ये भी बताना है। ये सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ आपको ये सारे आ सकते हैं। आप थोड़ा करंट अफेयर चेंज करेंगे, सीधे करंट अफेयर नहीं पढ़ने का फायदा, वन लाइनर सिर्फ रिवीजन के लिए होगा, करंट अफेयर आप डिटेल में ही पढ़ने पड़ेंगे। पहले आप इस साल से जो एग्जाम आया वो बड़ा कम वन लाइनर क्वेश्चन आपको सीधा पूछा होगा, या अपॉइंटमेंट पूछ सकते हैं, या तो आपको कोई भी फर्स्ट जो भी भारत में हुआ या दुनिया में हुआ वो चीजें पूछ सकते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आ गए। डीआरडीओ मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है? ये मैंने कल भी बताया था, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। पहली डिफेंस मिनिस्टर फीमेल याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट जो बनी थी, निर्मला सीतारमण, कौन है? अगर भी एडिशनल चार्जेस आते तो इंदिरा गांधी, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। पहली भारत की जो डिफेंस मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी थी, साथ में भारत की डिफेंस मिनिस्टर भी थी, बट निर्मला सीतारमण भारत की पहली डिफेंस मिनिस्टर भी थी फीमेल, और पहली फाइनेंस मिनिस्टर भी थी। और निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी है, सबसे ज्यादा टाइम बजट को पेश किया, ठीक है।
आईआईटी भुवनेश्वर और डीआरडी दोनों ने मिलकर क्या किया है, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आईआई ड्राइवर सर्विलेंस पावर सिस्टम एंड रडार सिस्टम तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? डिफेंस, इंडियन डिफेंस के लिए, ठीक है। ये किसके साथ, ये सारी जो चीजें बना रहे हैं ये आईआईटी भुवनेश्वर बना रहा है डीआरडीओ के साथ मिलकर। डीआरडीओ की ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्लस्टर बॉडी है किसकी, आईआईटी की क्लस्टर बॉडी है डीआरडीओ की, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट, और भी 7 प्रोजेक्ट है, ठीक है, और भी 7 प्रोजेक्ट है जो सैंक्शन है, कितने करोड़ है, 18 करोड़ रुपीज में है। कितने है? जितनी भी अब इंडिया में पहले डॉलर्स में होती थी, जब कोई भी एग्रीमेंट करता था भारत डॉलर में होता था, अब क्या हो रहा है, हम 2-3 साल से देख रहे हैं जितने भी कॉस्ट हो रही है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं या शेयरिंग कर रहे हैं, उसको रुपीज में भी किया जा रहा है। बड़ी सारी कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रुपीज में भी कर रहे हैं। अगर हम ट्रेड रुपीज में करेंगे, रुपीज की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और आईआईटी भुवनेश्वर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, इन 7, इसके अलावा 7 और प्रोजेक्ट है जो आईआईटी भुवनेश्वर कर रहे हैं, जिसकी कॉस्ट क्या है, रुपीज 18 करोड़, ये भी आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया दुनिया का इंडिया साउथ पैसिफिक एशिया एशियन लोगों का एशियन कंट्रीज का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कैपेसिटी बन चुका है। डाटा सेंटर कैपेसिटी क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, इसमें डेटा को चेंज स्टोर करते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया जो है लार्जेस्ट कैपेसिटी कंट्री बनती जा रही है, डेटा सेंटर कैपेसिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, सरपास किया है ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, ये भी आंकी है कर रखना। इससे पहले ये कंट्रीज भारत से आगे थी, अब भारत जो है उनसे आगे चला गया। इंडिया ओवरटेक ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर इन डेटा सेंटर कैपेसिटी। इंडिया इमर्ज लीडिंग कंट्री इन द डेटा सेंटर कैपेसिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में डेटा कैपेसिटी, क्योंकि कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन आपको आ गए, ठीक है, और डेटा सेंटर कैपेसिटी लार्ज लीडिंग एशिया पैसिफिक में लीडिंग कंट्री भारत बन चुका है, और इन देशों को जो है सरपास किया है विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 950 मेगावाट, ये भी याद रखिएगा। कौन कौन से देश हैं ये आपको आ सकते हैं, ठीक है, आपको ये सारे कंट्रीज याद रखने हैं। हो सकता है ऑप्शन में ए बी सी डी ऑप्शन में यही क्वेश्चन हो, और कौन कौन से नेशन है जिसको भारत ने सरपास किया है, ये चारों देश आते होंगे, कौन से, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, कोरिया, ठीक है, और कैपेसिटी कितनी है 950। ये मैंने रखा मुझे भी नहीं याद है, एस सी आर क्या है, मैंने उसने इसको काटा है, साउथ एशियन रीजन, एस सी आर साउथ एशियन रीजन हो सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। ऑपरेशन सद्भाव, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सद्भावना आर्मी सपोर्ट करी किसको, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ सिक्किम कम्युनिटीज को, वहां पे ऑपरेशन सद्भावना इंप्लीमेंट किया है इंडियन आर्मी ने। ये जो प्रोग्राम है इंडियन आर्मी की, कौन सी कॉर्प्स, कौन से यूनिट है जिसने ये लॉन्च किया है, जिसका नाम है त्रिशक्ति कॉर्प्स, टू सपोर्ट रिमोट कम्युनिटीज इन नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम को प्रमोट करने के लिए इंडियन आर्मी ने, त्रिशक्ति ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, डेट इज अ सद्भावना, क्या है, सद्भावना। ये जो ऑपरेशन के गोल क्या है, एम्स क्या है, ठीक है, ये आपको पूछ सकती है क्वेश्चन, ठीक है, इनका एम्स क्या है, फॉस्टर कम्युनिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन बॉन्ड्स विद बॉर्डर पॉपुलेशन, एंश्योर हार्मनी एंड सॉलिडेरिटी इन द रीजन, बूस्ट सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग एंड वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये याद रखें। ऑपरेशन सर्वशक्तिमान पीर पंचाने, जिसमें ऑपरेशन सद्भावना नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ सिक्किम में लॉन्च किया है, ये भी इंडिया इंडियन आर्मी का इस साल का जो ईयर है, ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्या दिया नाम, ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये वन लाइनर है जो पढ़े हैं ये देख लो। इंडिया ओवरटेक जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर इन डेटा सेंटर कैपेसिटी। सेला टनल रिकॉग्नाइज द इंडिया हाईएस्ट टनल बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। ऑपरेशन सद्भावना आर्मी सपोर्ट फॉर नॉर्थ सिक्किम कम्युनिटीज
इंडिया रजिस्टर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कितना रहा है, इंडिया का रिकॉर्ड इतना एक्सपोर्ट में हो गया है, ये यूएस डॉलर में हुआ है 778 बिलियन इन 2023 to 2024। यहाँ पे ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं लास्ट में ही हमेशा करवाती हूँ जब एग्जाम में होते हैं। गार्दी सुद्धुब आइलैंड, ये न्यूज में क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। गार्दी सुद्धुब आइलैंड जो है कैरिबियन सी में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से लोग छोड़ के आइलैंड ही जा रहे हैं, क्योंकि सी लेवल जो है डे बाय डे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और 2050 तक यहाँ पूरा ही एरिया सी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा आइलैंड है, गार्दी सुद्धुब आइलैंड, ये टाइनी छोटा सा आइलैंड है, कोई 1200 लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2050 तक पूरा फ्यूचर में डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। ये लैटिन अमेरिकन देश है और ये फर्स्ट आइलैंड बन गया है कम्युनिटी का, जो पहला एविकेट हो गया, खाली किया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे है, पेनामा में, पेनामा कहाँ पे है, ये पेनामा साउथ अमेरिका में है, साउथ, और पेनामा इज सिचुएटेड इन कैरिबियन वेयर सी लेवल राइज करंटली अराउंड 2 to 5 मीटर पर ईयर मिलीलीटर, ये पर ईयर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पेनामा, पेनामा के नाम, पेनामा स्ट्रेट, दोनों याद रखिएगा, ये सेंट्रल अमेरिका में है और पेनामा स्ट्रेट जो है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। गार्दी सुद्धुब आइलैंड ये पेनामा के गुनायाला प्रोविंस में है, कहाँ पे है, गुनायाला प्रोविंस में है, यहाँ पे सी लेवल बढ़ रहा है, टाइनी आइलैंड है कैरिबियन सी का, 1200 इंडिजिनियस लोग वहां के लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं बाय क्लाइमेट चेंज, ठीक है। वाटर लेवल राइजेस ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, 250 तक ऑल विल बी डिसअपीयर द लैटिन अमेरिकन नेशन, ये और दुनिया की सबसे पुरानी दो लैंग्वेजेस है, एक है संस्कृत एक है लैटिन, ठीक है। लैटिन जो है ये साउथ अमेरिका आज भी यहाँ पे बोली जाती है, यहाँ के लोग स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, साउथ अमेरिका के लोग और लैटिन लैंग्वेज बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। पेनामा जो है कैरिबियन सी में आया जाता है, इसके आगे और इफेक्ट्स हैं, देखिए कैरिबियन सी का, ये आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफी के स्ट्रेट्स मैंने कल शायद सैनिक स्कूल को करवाया है, RIMC को, आप भी, आपको भी कल करवा दूंगी, ठीक है। स्ट्रेट्स का पहले मैंने करवाया आपको, स्ट्रेट्स कनेक्ट कहाँ पे होता है ये भी करवा दूंगी, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी है कौन, कैरिबियन सी, कैरिबियन सी अटलांटिक ओशन की सबसे दूसरे नंबर पे बॉडी, वाटर बॉडी है, ठीक है। उसके बाद इसकी पोजिशन कहाँ पाया जाता है, बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका, और जो वास्को डी गामा ने भारत को डिस्कवर किया था, कोलंबिया ने, कोलंबस ने नॉर्थ वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज जो है इसी कैरिबियन आइलैंड के ही आगे पीछे है, ठीक है, और अमेरिका जो है इससे डिस्कवर किया था कोलंबस ने, ये क्यूबा भी कोलंबस ने डिस्कवर किया था, और मार्को पोलो ने चाइना डिस्कवर किया, ये याद रखना, ठीक है। बिटवीन द नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर कैरिबियन सी पाया जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर्स में आती है, पेनामा वेनेजुएला के साउथ में है, बेलीजी कोस्टा रिका, गोटामाला हंड्रूस निकारागुआ मैक्सिको, ये इसके कहां पे वेस्ट में पाए जाते हैं। ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड इसके नॉर्थ में है, लेजर एंटिली आइलैंड इसके ईस्ट में है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है। और कैरिबियन सी कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ मेक्सिको द नॉर्थ बाय द युकाटन चैनल, ये भी आपको पूछ सकते हैं। कैरिबियन सी गल्फ ऑफ मेक्सिको को कौन से चैनल से कनेक्ट करता है, युकाटन चैनल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कल सारे क्वेश्चन आप याद करें क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आप कोई भी ये वो मैं पहले क्वेश्चन नहीं करवाती, लास्ट में जब एग्जाम होता है एनडीए का जो बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हमेशा ही प्लेसेस पर्सन जो ये करने ही करने, इनमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा।
नेक्स्ट देखो, ये भी न्यूज में था, ये वो प्लेसेस हैं जो न्यूज में है बट करंट अफेयर में है, बट इनके करंट अफेयर इतने खास नहीं बनते। बट ये देखो, पेंटानल वेटलैंड, पेंटानल वेटलैंड में 2020 में सबसे बड़ी आग लगी थी, उसके बाद इस साल फिर से आग लगी है, यह जून में लगी थी, ठीक है। और ये ब्राजीलिया, ब्राजील में है, और क्योंकि ब्राजील जो है हार्ट ऑफ द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ब्राजील में दुनिया का 20% ऑक्सीजन ब्राजील से प्रोड्यूस होती है। और लगातार ब्राजील में क्या हो रहा है, सारे जंगलों को आग लगाया जा रहा है, 2020 में पूरे ही जंगलों में आग लगा दी, ताकि वो आगे बिल्डिंग्स या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा या वहां पे खेती बाड़ी करने क्या करना होगा, ये तो वही जानेंगे, ठीक है। इस पे बड़े सारे लोगों ने, ह्यूमन राइट्स वालों ने भी एक्शन लिया, दुनिया ही पूरी इसके अगेंस्ट आ गई थी ब्राजील में जो जंगलों में आग लग रही है। फायर इन ब्राजील पेंटानल वेटलैंड हैज सर्ज नियरली 10-fold एज पर दिस ईयर टू द हाईएस्ट सिंस 2020। पेंटानल कहाँ पे है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, नेचुरल, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी है और लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया भी है। दोनों ही क्वेश्चन आपके ये ज्योग्राफी के बनते हैं, ठीक है, और ये दोनों ही आ सकते हैं, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया एंड विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड। ये भी यहाँ पे ब्राजील में जो ग्रासलैंड मिलती है वो पंपास मिलती है, कौन सी मिलती है, पंपास, वेनेजुएला में कैंपास, ठीक है। यहाँ पे साउथ अमेरिका में पंपास, कैंपास, लिनोस, ये न्यूजीलैंड में यहाँ पे लिनोस ग्रासलैंड मिलती है। जो लार्जेस्ट ग्रासलैंड है दुनिया की वो अमेरिका में मिलती है, यूएसए में प्रियारिस, और एशिया, एशिया, भारत, रशिया, इन यहाँ की ग्रासलैंड को हम स्टेपीज बोलते हैं, हो गया स्टेपीज बोलते हैं। और नीचे ऑस्ट्रेलिया नीचे है, ठीक है, सदर्न में है तो इसको डॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डॉन और वेल्ड, वेल्ड भी इसकी है, ऑस्ट्रेलिया की है, दो है, ठीक है, वेल्ड और स्टेपीज। और अफ्रीकन कंट्रीज की भी दो है, एक है स्वेना, एक है वेल्ड, ठीक है। स्वेना ग्रासलैंड जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनन्या एफकेटी क्वेश्चन, ठीक है। स्वेना ग्रासलैंड जो है ये कहाँ मिलती है, ये अफ्रीका में मिलती है, वेल्ड भी अफ्रीका में मिलती है, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है और डॉन भी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। और एशिया यूरोप में सब में स्टेपीज या स्टीप्स या स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रासलैंड जो है वो है प्रियारिस, आपको क्वेश्चन आ चुका है, प्रियारिस, ब्राजीलिया, इट इज लोकेटेड, अब पेंटानल, पेंटानल वेटलैंड कहाँ पे है, ब्राजील। इसको अनन्या को जितने भी ज्योग्राफी के छोटे वाले मैंने आपको याद करवाया ना टॉपिक, इसको मार्क करके देना, ठीक है। एफकैट का पेपर कंपैरेटिवली एनडीए से बहुत इजी होता है, एनडीए एफकैट में इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन एफकैट में आते हैं, ठीक है। ये जो पेंटानल वेटलैंड है बॉलिविया और पैराग्वे के बीच पाया जाता है, ये भी यहाँ रखिएगा। ये लार्जेस्ट होम है, लार्जेस्ट जैगुआर का, गाड़िया नहीं है, ठीक है, जैगुआर किसको बोलते हैं, ब्लैक पैंथर को बोला जाता है, ठीक है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी का नाम जैगुआर के नाम, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है, जो फार्मिंग विदाउट टिम्बर, टिम्बर मीन्स विदाउट क्या, टिम्बर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, विदाउट ट्रीज की जाती है, ठीक है, लॉग्स, लॉग्स बोल सकते हैं, ट्रीज, टिम्बर, टिम्बर ही ट्रीज, ठीक है, बोल सकते हैं। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा में, कहाँ पे हो रहा है, उड़ीसा में, ट्राइबल पीपल इन उड़ीसा स्ट्रगलिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम द इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू सेल केंडू लीव्स, विच इज, केंडू लीव्स को क्या कहा जाता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान, गोल्डन लीव्स, ब्राउन लीव्स, ब्लैक लीव्स, ग्रीन लीव्स, ठीक है, ये कला मुझे बताओ, केंडू लीव, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट के बारे में लिखिए, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006,
2006 के अंदर इनको ये माइनर राइट का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने के राइट्स मिले, ये भी याद रखिएगा। ये आपके पॉलिटी में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये राइट कब बना है, पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे वेरियस आइटम्स ये प्रोड्यूस करते हैं जिसकी बैम्बू, ब्रश, वुड, टूम्स, केन, तुषर, कुकून, हनी, वैक्स, लैम्प, कैंडोलीज, मेडिसिनल प्लांट, हर्ब्स, रूट, ट्यूबर्स एंड इस तरह की बहुत सारी जो हर्ब्स और श्रब्स की तरह ये बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मिंग होती है टिम्बर लेस होती है बिना ट्री के ऑर्गेनाइज की। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट्स के इस तरह के आ सकते हैं। ये भी अब न्यूज में था, ये क्वेश्चन न्यूज में है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पे डिलीट हो गया। क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर, ये हमको क्वेश्चन ही आएगा कि प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्शन खत्म हो गए थे, इलेक्शन की कंपेनिंग उसके बाद वो रिजल्ट से पहले दो दिन कहाँ गए, ये सबको पता है। स्वामी विवेकानंद राव ने गए थे तमिलनाडु में, किसके लिए, मेडिटेशन के लिए। अब हमने पढ़ना आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है स्वामी विवेकानंद राव मेमोरियल से और स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बर्निंग करंट अफेयर था, करंट बर्निंग टॉपिक रहा ये जून में, ठीक है, एंडिंग ऑफ जून में बर्निंग टॉपिक था। प्राइम मिनिस्टर रिजल्ट के इलेक्शन के रिजल्ट से पहले कहां गए थे, विवेकानंद रॉक में। अब देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या है, ये कन्याकुमारी में है, स्मॉल छोटा आइलैंड है तमिलनाडु का कन्याकुमारी। यहाँ पे दो रॉक से बना, अगर टू रॉक लोकेटेड 5 मीटर ऑफ द मेन लैंड, कहाँ से मेन लैंड कौन सी है प्लेस, यहाँ से ये दूर है कन्याकुमारी, ये है विवाथुरी, क्या है विवाथुरी, यहाँ लिखिएगा। इस रॉक से द रॉक से सराउंडेड बाय लक्की द्वीप सी वेयर द बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन एंड बे से फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, ये भी यहाँ रखिएगा। तीनों ही क्योंकि भारत के नीचे जो है यहाँ पे इंडियन ओशन लग, यहाँ पे क्या है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और लक्षद्वीप सी भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इट इज सराउंडेड बाय लक्षद्वीप सी वेयर द बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी मेट, ठीक है, कन्फ्लुएंस फॉर्म कन्फ्लुएंस, ये भी याद। 1970 में बनाया गया था, स्वामी विवेकानंद को ऑनर दिया गया था। और ये जो है स्वामी विवेकानंद फॉलो करते थे वेदांता को, ये भी याद रखेगा, वो वेदांत मानते थे, ठीक है, कोई गीता को फॉलो करता है, कोई उपनिषद को फॉलो करता है, वो वेदांत को फॉलो करते थे, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्री पद्मा मंडपम एंड विवेकानंद मंडपम इसके विवेकानंद रॉक्स में बनाए गए हैं। और ये जो है ब्रॉन्ज स्टैचू किसका बना हुआ है, ब्रॉन्ज का, किसका बना हुआ है ब्रॉन्ज का, ये भी याद रखिएगा। लार्जेस्ट कॉपर सिटिंग जो स्टैचू है वो कैंपे घोड़ा का है, किसका है कैंपे घोड़ा का, वो कहाँ पे है, वो बेंगलुरु में है। और लार्जेस्ट पीस स्टैचू जो है दुनिया का, लार्जेस्ट पी ये खनन है, ये याद रखना, लार्जेस्ट पीस स्टैचू जो है वो रामार्जुन आचार्य का है, वो कहाँ पे हैदराबाद में इंस्टॉल किया गया है। और जो लार्जेस्ट कश्मीर में भी रामार्जुन आचार्य का स्टैचू इंस्टॉल किया गया लाल चौक के पास, ठीक है, अमित शाह ने इसकी इनॉग्रेशन की थी। और सबसे बड़ा जो स्टैचू है दुनिया में वो है कौन सा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में अहमदाबाद कावड़िया गांव में, कहाँ पे है कावड़िया गांव में, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद से कुछ पॉइंट्स देख लो, लास्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद 1863-902, ठीक है, इनका सफर रहा जिंदगी का। इनका नाम नरेंद्र दत्त था, हिंदू मॉन्क थे, स्पिरिचुअल लीडर थे भारत के, और ये डिसिपल थे रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है, और ये वेदांत की बात करते थे। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ध्यान सीधा सीखा, नी योगा मेडिटेशन सीखी, बाय हिज एक्सपर्ट गुरु रामकृष्ण परमहंस।
विवेकानंद हिंदू विवेकानंद 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पहले भारतीय बनते हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंडिया एज अ हिंदुइज्म। ठीक है, ये कहाँ पे हुई? शिकागो यूएसए में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ये विजिट आफ्टर हिज विजिट टू द वेस्ट, जब वापिस आए वेस्ट से, तो स्वामी विवेकानंद को ऑर्डर मिला था रामकृष्ण परमहंस का, इन्होंने विलोर मठ भी स्थापित, आज भी ये विलोर मठ है कोलकाता के बाहर है, ओटलाता कोलकाता 1897 विलोर मठ में बनाया, विलोर मठ बनाया गया था। आज भी इसके फंक्शन है, बट स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस मिशन भी स्वामी विवेकानंद ने बनाया, ये याद रखिए। रामकृष्ण हु वर द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। इनकी एक सिस्टर का क्वेश्चन भी आता है जो यहाँ ने लिखा, नवेदिता। ठीक है, शिकागो में एक यूएसए की फीमेल फॉलोअर थी, बाद में वो इंडिया आई स्वामी विवेकानंद को फॉलो करते हुए, तो उन्होंने इनको इनकी सिस्टर का नाम दिया गया निवेदिता। और स्वामी विवेकानंद जी के वर्ड याद रखिए, जो शिकागो में जब ये रिप्रेजेंटेशन करने आए थे, वहां पे भारत को रिप्रेजेंट करने लगे थे, तो लोग उठ के जा रहे थे, लोगों ने उठ के लोग कॉन्फ्रेंस को छोड़ के लोग कॉन्फ्रेंस छोड़ के जा रहे थे, तो क्या हुआ यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के पहले दो वर्ड माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये बोलते ही लोग सारे बोलते कि बैठ के थे और इनकी कॉन्फ्रेंस इसलिए बड़ी वर्ल्ड में फेमस है। आज तक किसी ने भी नहीं लोगों को ऐसे अटेंड किया वर्ड्स बोले माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये भी याद किया। इनकी बुक्स, इनके दो न्यूज़पेपर का नाम याद रखिए जो पब्लिश होते हैं वो भी पढ़े, और इनकी बुक्स देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। प्रभुधाम भारत इंग्लिश में पब्लिश होती थी, उद्बोधनी बंगाली में होती थी, ये हम बड़ी बार कर चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, कामसन क्लासिकल बुक जो रिटेल स्वामी राजा योगा जना योगा एंड भक्ति योगा, ये स्वामी विवेकानंद ने ये बुक्स लिखी, ये बड़े इंपॉर्टेंट। आदित्य आज आप क्यों नहीं लिख रहे? मैं सम्मेलन थोड़ी कर रही हूँ, लिखना चाहिए, लिखते हुए चीजें हमेशा याद रखती है। ये व्यक्ति है जो 29 टाइम्स ऑफ माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है, केमी रीता शेरपा है। ठीक है, नेपाली क्लाइंबर है, घर है इनका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, केमी रीता शेरपा, और जो 27 टाइम्स गए हैं उनका नाम पसंद दुआ, उनका नाम है पसंद दुआ, ये भी याद रखिएगा। घर है इसका, अपने घर से भी उठता होगा, माउंट एवरेस्ट देखा होता होगा, है ना। अब कुछ नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए हैं, पेनामा के न्यू प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन बने हैं प्रेसिडेंट? जोस रोल मिलिनो, ये भी याद रखिए। इंडोनेशिया के प्रभो सुबेंतो, ठीक है, ये याद रखिए, ये आप बने हैं। प्राइम मिनिस्टर सोलमन आइलैंड के जेरमिया मनेली, कुवैत से एक और क्वेश्चन याद रखिए, मैंने अभी ये बनाई नहीं है बट सुन लो, कुवैत में पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन हुए। ठीक है, कुवैत में पहली बार पार्लियामेंट इलेक्शन हुए। अब हम कौन सी सदी में जा रहे हैं? 21st सदी में जा रहे हैं, तो कुवैत में अब जाके क्या हुआ है? पार्लियामेंट इलेक्शन। यूएई में, दुबई में वुमेन्स को पर राइट टू वोट नहीं, ये 2006 के बाद उनको राइट टू वोट दिया गया है। यूए में आज भी वुमेन्स को राइट टू ड्राइव नहीं है, वुमेन वहां ड्राइव नहीं करती है, क्या अच्छी बात है। ठीक है, पॉपुलेशन भी कम होगी, इंडिया में तो हर घर में तीन तीन गाड़ियां, दो तो गाड़ी हो गई है, फीमेल्स चप्पले कैसे बचे? अच्छा ठीक, बड़ा ही मेहनत है। ठीक है, यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट, सिमोन हैरिस फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, कुवैत होल्ड द फर्स्ट, अभी ये मैं आपको कल कराऊंगी, ये क्वेश्चन कर ही लो, ये भी न्यूज में है। ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, कौन से देश ने ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी बनाया है? ये हंगरी ने, ये कहा कौन सी नदी के ऊपर है ना, ये आ सकता है। ठीक है, ये दनुबे रिवर है, हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट। पेनामा की कैपिटल पेनामा सिटी, मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, वियतनाम की कैपिटल वियतनाम सिटी, कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, ये इन सब की एक ही है। ठीक है,
इनकी कभी भी नहीं भूले, कुवैत, मेक्सिको, पेनामा, सिंगापुर और वियतनाम। वियतनाम नहीं, वियतनाम की थोड़ी है, वियतनाम की तो हनोई है, वेटिकन सिटी, वियतनाम की हनोई है। वियतनाम की क्या है? हनोई। ये याद रखिएगा, ये सारे आपके आज के करंट अफेयर डेप्थ वाले हैं। आप इस तरह ही रहेंगे। कल अनन्या 40 क्वेश्चन तुझे मैं एफ कैट के दूंगी, उसमें से 5 एनडी, 2 एनडीए को आएंगे तुझे मैक्सिमम। चलो इसी के साथ कोई और क्वेश्चन तो नहीं क्या? ईशान देख लो देश, कल रिया कर लो, ईशान देश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, तिमोर लेस्ट, तिमोर लेस्ट बिकम द 11th मेंबर ऑफ एशिया, ठीक है? ये भी यहाँ रखिएगा। तिमोर लेस्ट की कैपिटल को बताएगा, बड़ी इजी है, सिटी नहीं अच्छी है बोलो। और इस साल 2023 में इंडिया ने अपना एम्बेसी भी खोली है तिमोर लेस्ट में, ये भी यहाँ रखिएगा। कौन से एशियन देशों में भारत ने एम्बेसी खोली है? सिक्री पोर्ट भी यहाँ रखिएगा, सिक्री पोर्ट भी एशियन देशों में है। ये कहाँ पे है? म्यांमार, ठीक है। इंडोनेशिया में क्या है, कौन सा है, किसका हेडक्वार्टर है? एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और बैडमिंटन वो तो स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। मलेशिया जो है इसका बैडमिंटन हेडक्वार्टर बैडमिंटन कहाँ पे है? मलेशिया में। फिलीपींस में एडीबी बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस में। सिंगापुर जो है सिंगापुर सिटी कहलाती है, ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, ठीक है। भारत के लोग बैंकॉक बहुत जाते हैं, ठीक है, बैंकॉक। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड। चलो जी, डिज्नीलैंड है बॉयज के लिए, ठीक है। ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सारे बैगवान, बंदर सारे बैगवान, देना चेक करना यही है ना, ठीक है। कंबोडिया की फेनोम फेन, ठीक है। अब आप मुझे इसकी बताओ तिमोर लेस्ट, जो मुझे नहीं आता मैं तुमसे पूछ लू, ठीक है। ये आपके आपको ये कैपिटल्स में इसलिए करवा रही हूँ, हो सकता है बहुत देर से स्टेट्स एंड कैपिटल दुनिया के भी कम आई है, इंडिया के भी कम आ सकती है, ठीक है, कभी भी आ सकती है, ठीक है। कल मैंने आपने छोटे बच्चों का वीडियो नहीं देखा होगा, हाँ, तिमोर लेस्ट की कैपिटल इज दिल्ली, इसलिए मैंने बोला था ये सबसे ईजी है इंडिया की, ठीक है। ये दिल्ली है, डी आई एल आई, इंडिया की डी D-E-L-S, दिल्ली, कोई दिल्ली बोलता है कोई दिल्ली बोलता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ये मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। आज कल इतना ही रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।